Hi, to share your computer screen with your professional and your colleague, I will recommend you to use AnyDesk rather than TeamViewer. Reason simple है, 3.94 MB का ये छोटा सा software है जो plug and play की तरह use होता है. तो आइए सीखते हैं how we can use AnyDesk. आपने Google पे simply AnyDesk लिखना है. जो first आपका link आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है. सामने ही ऑप्शन है डाउनलोड का. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा. नाउ यू शुड गो टू योर डाउनलोड सेक्शन एंड दिस इज व्हाट वी इंस्टॉल जस्ट नाउ. इसे आप ओपन करेंगे एंड नाउ यू कैन यूज इट. अगर आप अपने स्क्रीन का एक्सेस किसी अपने कुली को या प्रोफेशनल को देना चाहते हो तो आपको उसके साथ शेयर करना है ये नंबर. ये आपका आईडी है और अगर आप किसी का एक्सेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उनका कोड जो है या उनका एड्रेस है, जो AnyDesk का एड्रेस है, वो डालना होगा. जैसे कि मेरे पास एक दूसरा कंप्यूटर है, उसका एड्रेस है 8959802 16. आप एंटर करेंगे. जो कंप्यूटर है जिसकी रिमोट एक्सेस आप लेना चाहते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आएगा, ही कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर इनविटेशन. तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं, आपके पास उनके कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो जाएगी. अब मैं दिखाता हूं हाउ वी कैन यूज इट. अब ये वो कंप्यूटर है जो आप एक्सेस कर रहे हैं. यू कैन यूज रिमोट कंप्यूटर स्क्रीन. यू कैन एक्सेस द डाटा ऑल्सो इन द ड्राइव्स. तो सिंपली अगर आप कोई रिमोट एक्सेस किसी और सिस्टम का करना चाहते हैं तो आपको डालना होगा AnyDesk के अंदर रिमोट आईडी, और अगर आप देना चाहते हैं तो आप उनके साथ शेयर करें. अगर आपके स्क्रीन को आपका प्रोफेशनल या कुलीग जब एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा, जहां पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक्सेप्ट या डिसमिस का. आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपका कुलीग या आपका जो प्रोफेशनल है, ही कैन यूज योर स्क्रीन. तो अब देखिए, जैसे अब मेरे कुलीग के थ्रू मेरा जो पूरा का पूरा लैपटॉप है, इट कैन एक्सेस. वो इस पे चाहे कोई साइट खोल सकता है, चाहे मेरी कोई फाइल्स ओपन कर सकता है. तो दिस इज व्हाट वी वांट टू शेयर विद यू अबाउट AnyDesk. आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड विल यूज इट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.